ये नीचे का हिस्सा पूरा बहुत बढ़ गया है। I won't stop till I make a change. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल स्वानी विद मम्मीज ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अभी आफ्टरनून का टाइम है, मैं अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले हमारा लंच खत्म हो चुका है और बच्चे स्कूल से आके अपना अपना खाना खा के क्या करें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी आज मैं बनाई थी फ्रेंड्स टमाटर की चटनी, बहुत ही अच्छा बना था। इतना थोड़ा रह गया है, सुबह टिफिन में लेके गई थी रोटी के साथ, बहुत ही अच्छा लगा उसको। और ये वाला आलू और बैंगन सब डाल के भरता बनाई थी, ये दो चीज़ दाल चावल बनाई थी, बहुत ही अच्छा रेसिपी है। मैं आप लोगों को जरूर कभी बनाऊंगी तो आपको ब्लॉग में शेयर करूंगी। आप लोग कमेंट करके बोलिए आपको चाहिए ये वाला रेसिपी, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और खास करके ये समर के टाइम तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तीखापन इतना नहीं है, कम तीखा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, मतलब हेल्दी है। जिस टाइम आप लोगों के पास सब्जी नहीं रहता, एक एक कभी कभार हो जाता है ना, कभी सब्जी रहता है कभी नहीं, तो ये काम में आता है। और फ्रेंड्स, सुहानी क्या कर रही है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सुहानी यहाँ पे आके बैठी है मोबाइल लेके, बोलेगी मम्मी मैं थोड़ा देखूँगी फिर बाद में पढ़ाई करूँगी। और सुहानी के पापा क्या कर रहे हैं और साई क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। सुहानी के पापा बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं, हाय तो कर दो कान में घुसा कर। हाँ, और साई यहाँ पे स्कूल से आने के बाद बैठ के मोबाइल खेल रहा है, हाय कर दो बेटा। अरे मेरा गाउन को नीचे डाला है, मेरा ये नीचे रेड कलर का गाउन जो डाले वाले हो आप ही डाले हो। तो ये बच्चे स्कूल से आने के बाद तो ऐसे ही करेंगे, मैं तो आने के बाद ये सब मेरा काम है ये सब रखना। और फ्रेंड्स, मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ, थोड़ा जाऊँगी पार्लर, तो मैं सोच रही थी अकेले जाऊँगी, तो सुहन के पापा बोले नहीं मैं आपको लेके जाऊँगी। बोले ठीक है, खाली आईब्रो करना है, आईब्रो करके आना है, बहुत दिन हो गए नहीं गई हूँ। देखो पूरा ये नीचे का हिस्सा पूरा बहुत बढ़ गया है, आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन सच में बहुत ही बढ़ चुका है, लेकिन जाना तो है, तो आने के बाद ये सब करूँगी। और फ्रेंड्स, आगे जुड़ के रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक रेसिपी शेयर करूँगी, और क्यों किस लिए आज बना रही हूँ वो भी आप लोगों को आने के बाद बताऊँगी। ठीक है, अभी जरा जल्दी जल्दी जाऊँगी, तो जल्दी जल्दी आऊँगी तो आपको दही बड़े वाला रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, और उसके पीछे क्यों बना रही हूँ आज वो भी आप लोगों को बताऊँगी। ठीक है, अभी जाके आ रही हूँ। चलो सुहानी के पापा चलो जाके आएंगे तो मैं यहाँ पे काम करूँगी ना, बहुत काम है आज, आज सच में रियली फ्रेंड्स बहुत काम है, दही बड़े बनाना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर बहुत सारा काम है। और आप लोगों को और भी एक चीज़ दिखाऊंगी, वो जो लास्ट में दिखाऊंगी ब्लॉग के एंड के होते टाइम। अरे क्यों ऐसे हो रहे रे, दोनों भी ऐसे होते रहते हो नोक झोंक स्कूल जाने के बाद उसको। अरे पापा का है क्या, देखो कैसे हो रहे दोनों। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say. सुहानी तो एक बार यहाँ पे लेके आई थी, तो फ्रेंड्स मैं भी आती हूँ यहाँ पे करके जाऊँगी, तो आपको फिर से जाने के बाद बात करूँगी। और सुहानी के बाद पापा आओगे मुझे लेने के लिए, आओगे तो मुझे लेके जाओगे। ठीक है, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause. किसका वेट कर रहे हो, मैं आके पहुंच गई ना। I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Medicine kha liye? और फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट आके पहुंची हूँ और मेरा आईब्रो हो चुका है, देखिए पास से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं गई थी तो साई का लूज मोशन फिर से शुरू हो गया, बीच में दो दिन ठीक हो गया था, फिर से हो रहा है, तो मेडिसिन उसके पापा दिए। और थैंक यू सो मच बोलूँगी सुहानी के पापा को, थोड़ा एडिटिंग बंद करो सुहानी के पापा, थैंक यू, क्योंकि आप मुझे लेके छोड़े और लेके आए, इसलिए थैंक यू सो मच। वेलकम, आपको क्यों बोलूँ वेलकम, ठीक है वेलकम। अब मेडिसिन खाना और पानी सफिशेंट पियो, पानी सफिशेंट पियो, पेट ठीक हो जाएगा। तो सुहानी के पापा वहाँ पे एडिटिंग करेंगे और मेरा बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं दही बड़ा बना दूंगी, क्योंकि बाजार भी जाना है, फिर टाइम हो जाएगा, फिर आने के बाद देना भी है पड़ोसी, हाँ देना है, हाँ देना से याद आया, आप लोगों को अभी तक बताई नहीं क्यों किस लिए मैं दही बड़े बना रही हूँ, वैसे भी तो बना सकती हूँ लेकिन आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो पड़ोसी में वो आंटी हैं हमारे, तो वो उनकी लड़की आई है, उन वो उसका अभी 9 महीना चल रहा है, मतलब प्रेग्नेंट है, 9 महीना चल रहा है। तो पहले वो मुंबई में रहते थे, सभी रहते थे, और लड़की तो अपने ससुराल में थी,
आंटी अभी आई है जस्ट, तो यहाँ पे आंटी भी आए हैं तो उनको देना है, तो मैं यहाँ पे आज दूंगी क्या क्या वो तो बाद में दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं दही बड़ा बना देती हूँ क्योंकि बाजार जाने का टाइम हो चुका है, और फिर आने के बाद फिर जो बाकी का बना के वो भी सब मिक्स करके देना है उनको, नहीं तो फिर रात हो जाएगा। तो ठीक है, अभी बात नहीं करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, दही बड़े आप लोग कैसे बनाते हो, मैं अपना दही बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट कैसे बनाती हूँ चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, दही बड़े के लिए देखिए मैं ऑलरेडी पेस्ट बना के रख चुकी थी, तो आप लोग कैसे बना रहे मुझे बोलना। मैं तो वड़े के लिए सुबह से सुबह भिगो के रखी थी और दोपहर में पेस्ट कर ली थी, और अभी मैं बना रही हूँ, अभी 5 बज रहा है तो अभी मैं बनाऊँगी। ठीक है, और इसमें खाली नमक डालूंगी और मिक्स करके तल लूँगी। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और मैं नमक डाल के सब ऑलरेडी मिक्स कर चुकी हूँ, अभी तलने के लिए डालूँगी। अभी हम लोग पानी में डालेंगे क्योंकि उसको दही बड़े बनाना है। सो फ्रेंड्स, और एक चीज बोलना चाहती हूँ, कभी भी दही बड़े जब बनाते हो आप, दही बड़े जाने से बड़े बनाते हो ना जब भी, तो पहले से भिगो के रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, भिगोने के बाद फिर पेस्ट करने के बाद भी 3-4 घंटा छोड़ दीजिए, फिर आप बड़े बनेंगे, बहुत ही अच्छा बनेगा, फूलेगा और सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, मैं पहले ये सब तल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ दही बड़े का प्रोसेस। फ्रेंड्स देखिए, हमारा बड़ा भी तैयार हो चुका है, पानी में भिगो के रखी थी, देखिए सॉफ्ट भी हो चुका है और बहुत ही अच्छा फूला है, और यहाँ पे देखिए दही पानी में ले चुकी हूँ। चलो अब स्टार्ट करेंगे दही बड़े प्रोसेस। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको पानी में भिगो के रखी थी, इसको निचोड़ के इसमें डालूंगी दही पानी में। तो यहाँ पे अभी मैं डालूंगी व्हाइट सॉल्ट और डालूंगी मिर्ची पाउडर और डालूंगी जी भुना हुआ जीरा पाउडर और डालूंगी कोथिंबीर और डालूंगी ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि पहले से तो व्हाइट सॉल्ट डाले थे, अभी ब्लैक सॉल्ट थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसको ना सब आप मिक्स कर लेंगे। अभी हमारे ये तैयार हो चुका है, लेकिन अभी और एक चीज़ बाकी, तड़का देंगे। ठीक है, चलो अभी तड़का देने के लिए शुरू करेंगे। तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अभी पंचफोटन डालेंगे। तो पंचफोटन हमारा अच्छे से भून गया है, अभी सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे। तो अभी अच्छे से भून चुका है सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता, पंचफोटन, अभी दही वड़े में हम डाल देंगे। तो अभी हमारा दही वड़े तैयार हो चुका है। तो आप लोग चाहे तो ऐसे बनाइए, आप लोग कैसे बनाते हो मुझे जरूर कमेंट करके बोलना, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, तो अभी हुआ इवनिंग का टाइम और देखो देखते साई क्या करता है। तो साई यहाँ पे अभी बैठा है, देखो बैठ के अभी क्या कर रहे हो साई, क्या कर रहे हो बैठ के, अरे बोलो। वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, वो अभी यूट्यूब देख रहा है। अभी देखो उसका यूट्यूब या फिर गेम ऐसे ही रहता है, टीवी में वो ही करता है अभी, जब से वाईफाई आ गया ना यही सब है उसका काम। पापा अभी आप बाहर जा रहे हो क्या? यस, बाहर जा रहे हो। ओके ठीक है, तो पापा और मम्मी अभी बाहर जा रहे हैं, और है मम्मी आप बाहर जा रही हो ना? बाजार थोड़ा जाना है ना, सब्जी वगैरह लाना है। ओके, और अभी जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। अरे जल्दी सोच रहे थे लेकिन अंधेरा हो गया ना। मैं सोची कि जल्दी चल जाएंगे लेकिन टाइम चला जा रहा है धीरे धीरे। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुकी हूँ बाजार से। आज बाजार लेकिन बहुत ही सस्ता था, मैं 2 बैग लेके गई थी, लेकिन 2 बैग भर के भी और ज़्यादा हो गया, तो स्कूटी के डिक्की में सोनी के पापा डाले हैं, वो गए नीचे लाने के लिए। और फ्रेंड्स अभी जाके दूंगी, वो हमारे नेबर्स है ना, उनको देने का है। तो मैं यहाँ पे इडली बिठाई हूँ और यहाँ पे बनाई हूँ आलू मटर की सब्जी, तो ये सब मैं जाके देके आऊँगी और मेरा दही बड़े आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना मेरा ये दही बड़े। आलू मटर की सब्जी खाओगे? ठीक है, सुहानी को पहले दे देती हूँ, फिर इडली बन जाएगा तो उनको दे के आऊँगी। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे आलू मटर की सब्जी। सो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, अभी सुहानी को दे देंगे। और आप लोगों को आलू मटर की सब्जी तो बहुत ही बार मेरी ब्लॉग में मैं रेसिपी शेयर की हूँ, तो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई, तो मैं पहले से बना के चली गई थी दही बड़े और आलू मटर की सब्जी, तो अभी खाली इडली बना रही हूँ। और चलो फ्रेंड्स, अभी सुहानी को दे देते हैं। चलो बेटा, पहले बैठो, टेस्ट करके बोलो कैसे बनाए। अच्छा बनाए। आप क्या कर रहे हो? दही बड़े खाओगे बेटा? दही बड़े खाओगे? ला रही। बेटा लो लो लो, बैठो बैठो बैठ। सो फ्रेंड्स, मैं प्लेट तैयार कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, आलू मटर की सब्जी, दही बड़े और इडली। मम्मी जा रही है फ्रेंड्स, मम्मी देने के लिए जा रही है। हाय फ्रेंड, कैसे सब लोग? अरे मटर तो खाया मड़ियो? आपको भी मिलेगा, लेकिन आप तो चले गए थे टमाटर लाने के लिए नीचे, कि कहाँ चले गए थे? डिक्की से लाने के लिए इतने घंटे लगते हैं टमाटर? कहाँ चले गए थे? कल गला पकड़ दो, कभी भी गला पकड़ देते हैं। गला नहीं पकड़ूंगा मैं, रुको, आपको अच्छे से दूंगी ना खाने के लिए। तो मैं गई थी ना आंटी को घूम के यहाँ देके आ गई हूँ। लेकिन आज फ्रेंड्स, लेकिन आज फ्रेंड्स बहुत ही सस्ता था सब्जी, बहुत ही सस्ता था। आज का मार्केट बैंगन एक किलो कितना? 10 रुपीज में ना, 10 रुपीज में, 10 रुपीज में बैंगन एक किलो। हम 3 किलो लेके आए 30 रुपीज में, और बाकी का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूंगी कितने क्या है, क्या क्या लेके आए वो नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो मैं अभी कैसे सॉल्व करती हूँ सुहानी के पापा के लिए दही बड़े, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है? आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्यों? यहाँ पे सब्जी थोड़ा डालूंगी। वाकई ये आवाज कर रहे हो? थैंक यू सो मच अकेले राज करने के लिए। देखो देखो, यहाँ पे डालेंगे प्याज, फिर प्याज देखो, और सॉस तो आप खाओगे नहीं, सॉस वगैरह डालूंगी, तो सॉस वगैरह नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही दे रही हूँ, ठीक है? टेस्ट करके बोलो। थैंक यू। मन करो। मैं सोच रही हूँ क्या है कि सुहानी के पापा को जैसे दी हूँ एक प्लेट भर के, मेरा भी है सेम क्वांटिटी है, तो मैं सोच रही हूँ चलो कौन फास्ट होते खाने में, तो मैं बोल रही चैलेंज कर लेंगे। ये चैलेंज वीडियो नहीं है, आप लोग नहीं सोच रहे, आप लोग नहीं सोच रहे चैलेंज वीडियो, लेकिन हम लोग मजाक मजाक में थोड़ा करेंगे। नहीं शांति से क्या, आप तो बोल रहे थे मैं खाऊंगा नहीं, अभी मैं तो बोल रही थोड़ा मिलके ऐसे करते तो खा लेंगे। चलो कैसे करेंगे, सुहानी को बुलाएंगे? दो दो दही बड़ा है, हां छोटे करने की सुहानी, सुहानी को बुलाएंगे, अभी कौन जीतेगा देखेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो पापा को, पापा तो जीत गए, बड़ा खुश हो गया पापा जीत के। बड़े दिनों के बाद आ जीता। नहीं आप तो बोल रहे थे मैं खाऊंगा नहीं, मेरा भूख नहीं है, मेरा मन नहीं है, कौन बैठोगे? मैं तो चार बस जीत आप खाए। छोड़ दी मुझे, छोड़ दी। चलो तो क्या कर रहे हो बाबूटी? ये पायल पढ़ रहे हैं, हम लास्ट वीडियो में दिखाए थे ना ब्लॉग में, दिखाओ फिर से एक बार, दिखा दो, हमारे न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो देख लेंगे पायल को। ये पायल। चलो फिर वो तो पहना रहे हैं, और सुहानी का और एक पायल वो जो पहनी थी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पायल, अभी चेंज करके वो वाला पायल पहन रही है, ये वाला डिज़ाइन है उसका, तो वो वाला पायल कैसे स्कूल जाने में अच्छा है, मतलब स्कूल जाने आने में ये वाला पायल जो रहता है ना, कभी कभार त्यौहार वगैरह में पहनने के लिए ठीक है, लेकिन फेस्टिवल वगैरह में, क्योंकि थोड़ा मोटा है, और वो वाला पूरा पतला है, डेली उसके लिए बहुत ही अच्छा है, तो वो पहन रही है। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या क्या मैं सब्जी लेके आई हूँ वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो भी जल्दी लाने वाली हूँ आप लोगों को, खाली ऐसे दिखा देती हूँ। देखिए मेरा फ्रिज
सब सामान इधर उधर है, तो फ्रीज क्लीन करना दिखाऊंगी, ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी दिखाऊंगी, और मेरे ये सब्जी जो लाई हूँ वो सूखा के रख दूंगी, फिर मैं कैसे रख रही हूँ फ्रीज में वो भी दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग आप लोग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बोलना, और न्यू होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट देना, ठीक है। और आगे ही ऐसे ऐसे न्यू वीडियो हमारा आते रहेगा, आप लोग जुड़ के रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में फैमिली मेम्बर होकर आप लोगों के पास अपडेट वीडियोज़ आएगा, आप लोग देखिएगा और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी न्यू फ्रेश ब्लॉग के साथ, फिर देन बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि रात का डिनर तो वही है, इडली, आलू मटर की सब्जी और दही बड़े। अभी तो खा लिए, हमारे पेट भर गए हैं, और बच्चों को मैं अभी पढ़ाऊंगी और वही इडली खा लेंगे हम लोग, और अभी कुछ नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, ए बाय बाय तो कर दो, दोनों बाय बाय करो, साई आप भी बाय बाय करो, बाय बाय।